जानकारी पटना से, जहां तेज प्रताप यादव को फिर धमकी मिली है। गुरुवार शाम को जान से मारने की धमकी दी गई है। तेज प्रताप के सहयोगी सृजन स्वराज के मोबाइल पर यह धमकी दी गई। तेज प्रताप ने राज्य सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है तेज प्रताप यादव को। गुरुवार शाम को जान से मारने की धमकी मिली है। तेज प्रताप यादव के सहयोगी सृजन स्वराज के मोबाइल पर कॉल कर यह धमकी दी गई है। ऐसे में तेज प्रताप ने राज्य सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। जीबीटी संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, लगातार धमकियां मिल रही हैं तेज प्रताप यादव को। देखिए, तेज प्रताप को फिर से धमकी मिली है। इससे पहले भी एक बार धमकी मिली थी, जिसकी बाजाब्ता सूचना सचिवालय थाना में दर्ज कराई गई थी। और गुरुवार की शाम को भी फिर से धमकी मिली है। और इसमें जो खोजबीन की गई है, उसके तहत ये मामला सामने आया है कि सृजन स्वराज मित्र है तेज प्रताप के, उनके मोबाइल पर जान मारने की धमकी दी गई है। और जो नंबर है वो गोह दाऊद नगर, गोह औरंगाबाद जिला में है, वहाँ के चंद्रकांत यादव की है। तो इसकी भी सूचना सचिवालय थाना को दी गई है। और तेज प्रताप का ये कहना है कि भाई उनकी जान को खतरा है, और लिहाजा इस बाबत उन्होंने राज्य सरकार को इसकी सूचना भी दी है। और वाई कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था मिले इस बात की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुरक्षा उन्हें नहीं मिल पाई है। तो जांच पड़ताल इस मुद्दे मसले पर जारी है। जी बिल्कुल, तो जांच पड़ताल जारी है। नंबर कहां का है इसके बारे में जानकारी मिल गई है, और ऐसे में अब पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर कॉल किसने की है। बहुत शुक्रिया रजनीश जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए। क्रियाएं भी आई हैं, क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। तेज प्रताप जी को पहले से राजद के अंदर दरकिनार किया गया। तेज प्रताप उस परिवार के बड़े संतान हैं, और परिवारवादी पड़ी पार्टी में बड़े संतान के जिम्मे ही उनको कमान मिलना चाहिए था, जिसको न देने के कारण अगर क्षुब्ध होकर तेज प्रताप जी आज अगर अपनी अलग पार्टी बनाकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो अब उनको राजद के लोग धमकी देने का काम कर रहे हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है नहीं। और ये धमकी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से उनको उनके घर से ही मिल रहा है। देखिए, एक सुरक्षा का मामला है, कानून का मामला है। निश्चित ही सरकार कानून के मामले में बहुत सजग है, और हर व्यक्ति सुरक्षित रहे ये सुशासन का एक कुंजी है। और माननीय नीतीश कुमार जी सुशासन का और कानून के राज के लिए कृतसंकल्पित है। तेज प्रताप जी को धमकियां मिल रही हैं, वो उसका उचित कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे, FIR करेंगे। निश्चित ही सरकार पूरे मुस्तैदी के साथ इस पर कार्रवाई करे। धमकी मिल रही है, सरकार से सुरक्षा मांग रहे हैं, सरकार अपना देखे। ये सरकार के बीच और उनके बीच का मामला है। हमको जो भी जानकारी मिली है वो मीडिया के ही जरिए कल या परसों किसी अखबार में हमने देखा था। पुलिस को उन्होंने खबर किया है, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। तो तेज प्रताप यादव को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। उनके सहयोगी के फोन पर यह कॉल आया है, और ऐसे में तेज प्रताप ने राज्य सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई। आपको बता दें, इससे पहले भी उनको जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। लगातार तेज प्रताप यादव मुखर होकर जनता के बीच आते हैं, और जनता के प्रतिनिधि के तौर पर लोगों से मिलते भी रहते हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की मांग रखी है। दरअसल तेज प्रताप यादव के सहयोगी के मोबाइल फोन पर यह धमकी